नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू निगम। आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की सीरीज, जिसमें हम 12वीं कक्षा के सभी विषयों का व्याख्या कर रहे हैं। यह है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का। आज मैं आपको बताऊंगा मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तित शील संबंध का अध्ययन है। भूगोल के मानव भूगोल के अंदर अस्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी में परिवर्तन आता ही रहता है। क्रियाशील मानव भी अपने जीवन में एक तरह से क्रियाशील ही है। मानव तो पूरी तरह से क्रियाशील प्राणी है, और इन दोनों के बीच में भी जो संबंध है उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। समय के साथ साथ इनके संबंध में परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण आपको एक तरह से यह समझ पैदा करेगा कि किस तरह से एक समय पे मानव प्रकृति के अधीन था, वह दास और मालिक की भूमिका में थे, और किस तरह से अब के समय में प्रकृति का मानवीकरण हुआ, यानी कि मानव जो है वह प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जमा चुका है। देखिए ये कैसे होता है। ये होता है इस तरह से कि मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया करता है। मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ अनोन्य क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाएं जिससे वह एक दूसरे को प्रभावित करें। मानव पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? टेक्नोलॉजी की मदद से। क्या? बिना कार्बन छोड़े, यानी कि जो डीजल रेलवे के डीजल इंजन हैं, यदि वह टेक्नोलॉजी मानव इजाद नहीं करता तो क्या वह पर्यावरण में धुआं छोड़ता? नहीं छोड़ता। तो मानव ने पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित किया? अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रभावित किया। प्रौद्योगिकी किसी समाज की सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। ये जाहिर सी बात है कि जिस समाज के पास जितनी उन टेक्नोलॉजी होगी वह उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान बेहद आवश्यक है। यह भी सच है कि अगर आप प्रौद्योगिकी का विकास कर टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहते हैं तो आपको प्रकृति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। कैसे? तो उदाहरण के लिए घर्षण और उष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज की। जब मानव को यह पता चला कि घर्षण से चिंगारी पैदा होती है, तब जाके अग्नि की खोज हुई। वैज्ञानिकों ने डीएनए के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया, तब जाके हमें कई बीमारियों के ऊपर हमने विजय प्राप्त की, यानी कि उनका वैक्सीन तैयार कर पाए। वायु गति का नियम जानने के बाद ही हमने तेज गति से चलने वाले वायुयान को विकसित किया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का शायद सबसे मुख्य भाग जो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण है। मानव का प्रकृतिकरण, जिसे हम नियतिवाद भी कहते हैं, क्या होता है ये? देखिए, आपने अपनी दादी से, अपनी नानी से कई तरह की कहानियां सुनी होंगी जिसमें वह प्रकृति की या भगवान का जो रूप वह हमें बताती हैं, जिसमें हमें सुनने में आता था कि किसी जगह ज़्यादा बारिश हो गई तो हम कहते थे कि इंद्रदेव नाराज़ हो गए, या कहीं अकाल पड़ गया तो हम कहते थे कि सूर्यदेव नाराज़ हो गए। तो प्रकृति को भगवान के तौर पे, भगवान के रूप में जिस दौर में माना जाता था वह मानव का प्रकृतिकरण का समय कहलाता था। यानी कि मानव जो है वह प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता था। इसे हम कहेंगे मानव का प्रकृतिकरण। आते हैं इस पे। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से बेहद प्रभावित हुआ था। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि से अनोन्य क्रिया का इस शब्द का ध्यान से मतलब समझिए कि इस शब्द का मतलब है ऐसी क्रिया जिससे वह एक दूसरे को प्रभावित करते हो। प्राकृतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था यानी कि आदिमानव काल के समय में, आज से बहुत साल पहले के समय में मानव प्रकृति से बेहद प्रभावित था। वह पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर था। दूसरा, मानव अपने को प्रकृति के अनुसार ढालता था। उसे प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था, जिस कारण उस समय सामाजिक विकास निम्न था। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। तो जब उस समय किसी भी तरह की प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो उस समय सामाजिक विकास निम्न था। यह उस समय की बात है जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। आगे,
इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, यानी कि भगवान के रूप में उसे पूजता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोग जो है हवन वगैरह करते थे पहले, जब उनके गांव में बारिश नहीं होती थी, वह समझते थे प्रकृति नहीं बल्कि प्रकृति को एक तरह से भगवान के रूप में मानते थे कि यह पर्यावरण नहीं, बल्कि वह कहते थे कि इंद्रदेव नाराज हो गए इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो इस अवस्था में मानव जो है वो प्रकृति को सुनता था। आदिम अवस्था में मानव प्रकृति को भगवान और अपने को प्रकृति का दास मानता था और वह प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर था। इस अवस्था में जिसमें मानव प्रकृति को के साथ सामंजस्य बनाता था उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता था। देखिए यह क्वेश्चन तीन नाम से आता है, मानव का प्रकृतिकरण समझाइए, या नियतिवाद क्या है, या फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। तो आपको पांच नंबर में यही पांच पॉइंट लिखने होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जी बिल्कुल ठीक, इसका उदाहरण देखिए, आदिवासी लोग जो हैं वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। आप जानते हैं कि वह अपने जीवन के लिए अपने पूरी तरह से जंगलों के ऊपर ही निर्भर हैं, आखेट करके ही। और जो आपकी किताब में पेंडा वाला जो एग्जांपल है वह यही आपको समझाता है। आज के समय में किसान भी आप देखिए किस तरह से जलवायु यानी वर्षा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो उनकी फसल अच्छी होती है, वरना फसल खराब हो जाती है। तो मानव का प्रकृतिकरण सीधा मतलब यह है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें जो मानव है वह पूरी तरह से प्रकृति के अधीन होगा, यानी कि वह प्रकृति को सुनेगा, प्रकृति की पूजा करेगा, प्रकृति से डरेगा। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उसका विकास नहीं हो पाया और उसने प्रकृति को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति को भगवान मानता था और उसे अपने आप को उसका दास मानता था। आगे प्रकृति का मानवीकरण। देखिए शब्द का मतलब क्या होना चाहिए कि प्रकृति मानव के अनुसार ढली, यानी कि मानव ने कुछ ऐसा इजाद कर लिया, कुछ ऐसे इन्वेंशन कर लिए कि वह प्रकृति को पूरी तरह से अपने हिसाब से ढाल सका। इस शब्द को हम संभावनावाद के नाम से भी जानते हैं, मानव के प्रकृतिकरण को संभावनावाद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये ऐसा समय होगा जहां मानव के पास प्रौद्योगिकी होगी, उन्नत किस्म की उसके पास प्रौद्योगिकी होगी, वह एक तरह से आधुनिक मानव की कल्पना होगी। ये आज का समय है। देखिए समय के साथ लोग पर्यावरण को समझने लगे तथा उसे अपने विकास के लिए बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास किया। क्यों, कैसे कर लिया? क्योंकि मानव आज के समय में प्रकृति को समझ चुका है और प्रकृति को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है और उसने प्रौद्योगिकी का विकास अपने विकास के लिए किया है। दूसरा, इस प्रकार मानव अभाव की अवस्था से निकलकर स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। देखिए अभाव की अवस्था क्या थी? अभाव की अवस्था है मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि जब वह अपने आप को प्रकृति का दास मानेगा, जब वह अपने आप को प्रकृति का दास मानेगा तो जाहिर सी बात है वह दासों की तरह व्यवहार करेगा। और पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर वह भगवान मानता था तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता था, अपने आप को सीमित रखता था प्रकृति के संदर्भ में। लेकिन आज के समय में मानव के पास उन्नत टेक्नोलॉजी है तो वह अब अभाव की अवस्था में नहीं है बल्कि वह स्वतंत्र हो गया है। वह अब देखिए इसे इस तरह से समझिए कि अगर आप महासागरों को माने तो वो केवल पानी है, वो किसी भी काम का नहीं, लेकिन ये उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अच्छे किस्म के शिप का इस्तेमाल करके, जहाजों को बनाकर मानव ने उसे जलमार्ग के रूप में बदल दिया और पूरी तरह से विश्व व्यापार को एक तरह से बढ़ावा दिया। तो अब मानव अभाव की अवस्था से निकलकर स्वतंत्रता की अवस्था में आ चुका है। तीसरा, देखिए प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मानव संभावनाओं को जन्म देता है और वह प्रकृति की दासता से बाहर आता है। हम देखिए हम कहते हैं कि हमें जो भी चीज प्राप्त हुआ है वह सभी प्रकृति से प्राप्त हुआ है, प्रकृति के ही सारे संसाधन हैं और हम उसी संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने लिए संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं, यानी अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से हम प्रकृति की दासता से, प्रकृति के चुंगुल से बाहर आ गए हैं। अब आप देखिए, अब आप बारिश होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कार में बैठ के अपने काम पे पहुंच सकते हैं, अब आपको बारिश नहीं घेर सकती। आप कितनी भी गर्मी हो, दुबई में 50 डिग्री
क्यों ना हो, लेकिन आप दो एसी चला के आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मानव अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके संभावनाओं को जन्म दिया है और प्रकृति की दास्ता से वह बाहर आया है प्रकृति के मानवीकरण में। चौथा देखिए, इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती है और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। इस अवस्था में यानी कि जिस अवस्था में उसके पास टेक्नोलॉजी है, आज का दौर जहां पे प्रकृति का मानवीकरण हुआ, प्रकृति को मानव के अनुसार ढालने की कोशिश की गई करी है मानव ने, तो आप देखिए इसमें इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती है। आपके शहर सांस्कृतिक भूपृष्ठ है, शहर आपने बसाए हैं, गांव आपने बसाया है, यह सांस्कृतिक भूपृष्ठ है। अब देखिए मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है टेक्नोलॉजी के कारण। आप देखिए सड़क, जंगलों को काट के आपने उद्योगों का निर्माण किया, जंगलों को काट के आपने एयरपोर्ट्स बनाए, जंगलों के काट के आपने शहर बसाए। आप देखिए एक एक किलो चौड़ी किलोमीटर लंबी नदी क्यों ना हो, आपने उसके ऊपर से पुल बना दिए। तो ये मानवीय क्रियाओं की छाप है जो आप हर जगह नजर आएगी। आप देखिए कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, वहां पे आपको रेस्ट रूम फार्म हाउस मिल जाएंगे, लोग वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं। एक समय पे पहाड़ों को एक तरह से श्राप जैसा भी माना जाता था कि वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, वहां तो किसी प्रकार के संसाधन नहीं, वहां तो रेलवे नहीं जा सकती, लेकिन अब आप देखिए वहां पे छोटे छोटे हेलीपैड्स बना के किस तरह से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब मानव जो है मानव की चंगुल दास्ता से बाहर आ चुका है और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। पांचवा देखिए, प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका प्रयोग करता है। ध्यान से, प्रकृति अवसर प्रदान करती है हमें और हम उन अवसरों का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है, हम नई नई टेक्नोलॉजी खोजते हैं और फिर हम प्रकृति को हराना या प्रकृति को एक तरह से सीमित करना शुरू कर देते हैं। इसे संभववाद भी कहा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान, बीजिंग में बारिश की संभावनाएं थी और उस समय बारिश की संभावनाएं नहीं थी और उस समय बीजिंग में कई सारी बहुत बुरी तरह प्रदूषण फैला हुआ था। तो प्रदूषण को कम करने के लिए चाइना ने आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया। अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है कि प्रकृति ही तो बारिश करा सकती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने प्रकृति को भी हरा दिया और बारिश का प्रबंधन कर दिया आर्टिफिशियल रेन से। तो यह मानव का प्रकृतिकरण है और यह इसे हम संभावनावाद कहते हैं, जहां मानव ने अपने लिए संभावनाओं को जन्म दिया है। पांच नंबर में यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको पार्ट थ्री में नव निश्चयवाद की व्याख्या करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये भी और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम अगली वीडियो में आपको मानव विकास, जो मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से एक विषय के रूप में हुआ, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और मानव भूगोल के उपागम भी बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद।